जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली की जमा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह को रामपुर से टिकट दिया है। रामपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर एस टी हसन को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुहिबुल्लाह के नाम के ऐलान के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। सपा प्रत्याशी मुहिबुल्लाह आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। सपा द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। आज उत्तर प्रदेश में नामांकन का आखिरी दिन है। रामपुर लोकसभा सीट पर पहले तेज प्रताप यादव और फिर डॉक्टर एस टी हसन का नाम चर्चा में आया था। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ से दोनों में किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने रामपुर से इमाम मुहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान ने मंगलवार को सीतापुर जेल से एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रामपुर सीट से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा, रामपुर के समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुआ है। हमने सोचा है रामपुर के माहौल को बदलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर आना जरूरी है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने चुनाव जीता था। हालांकि बाद में बीजेपी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जीती थी। बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से घनश्याम लोधी को यहां से टिकट दिया है, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है। थैंक यू।